भारत ने रचा इतिहास, कोरोना टीकाकरण 100 करोड़ के पार, देश भर में मनाया जा रहा है जश्न। पेट्रोल के दामों में फिर इजाफा, 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल, लोगों की बड़ी चिंता। गाजियाबाद में सरकार के आदेशों की उड़ी धज्जियां, कूड़े के ढेर से परेशान लोग, कूड़ा डालने का किया विरोध। आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला, पीड़ित परिजनों का 10 लाख मुआवजे का ऐलान, परिवार के एक व्यक्ति को मिलेगी सरकारी नौकरी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। भारत आज एक ऐतिहासिक मुकाम भारत ने छू लिया है। आपको बता दें, देश ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण के जादुई आंकड़े को छू लिया है। जी हां, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में खास कार्यक्रम में भी शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और उस वक्त स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई थी। इसके बाद 1 मार्च से वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू किया गया था, जिसमें आम लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी और इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन दी गई थी। जिसके बाद से ही लगातार यह वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से जारी है और मात्र 9 महीने में भारत ने इतिहास रच दिया कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हां, और इसीलिए आज देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। बता दें आपको, दिल्ली में आरएमएल अस्पताल में भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में पहुंच भी चुके हैं। वहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद वहां पर यह कार्यक्रम शुरू होगा और ऐसे में देश भर में कई जगहों पर आज कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है ये, बेहद ही खास दिन है भारत के लिहाज से, क्योंकि पहला ऐसा देश भारत बन गया है जहां पर 100 करोड़ का ये टीकाकरण अभियान पूरा हो चुका है। चलिए, ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज भारत के लिए ये बेहद ही खास और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत ने इतना बड़ा इतिहास जो रच दिया है, 100 करोड़ का टीकाकरण पार कर लिया है भारत ने। बिल्कुल पारुल, क्योंकि हमारे जो योगी सरकार की तरफ से एक मिशन चलाया गया था और जिसमें केंद्र सरकार ने मिलकर कैंपेनिंग का काम शुरू करा था, और एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से खासतौर से इस बात का ऐलान किया गया था, घर घर पहुंचवाएंगे कोरोना वैक्सीनेशन को, और कहीं ना कहीं बूथ का इंतजाम किया गया था, कैंप लगाए गए थे। और अब जो ताजा जो मामले निकल के आए थे, आंकड़ा जो कोरोना के अगर बढ़ भी रहे थे, उसको लगाम लगाने के लिए उन्होंने डॉक्टर की 4-5 टीमें इकट्ठी कर दी थी, और उसके साथ ही साथ जो मोहल्ले कस्बे और जो पास का प्राथमिक हॉस्पिटल पड़ता है, उन सब जगहों पे उन्होंने खास तौर से इंतजाम किया था। इसके साथ ही साथ चारबाग स्टेशन हो या फिर बस स्टॉप हो, वहां पे भी उन्होंने एक पूरा पैनल लगवा के रखा गया था, ताकि बाहर से कोई भी पैसेंजर आ रहा है तो उसकी वहीं पे जांच की जाए, और उसके साथ ही साथ अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए तुरंत से अलग से क्वारंटाइन का इंतजाम किया जाए। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक महामारी फैली हुई थी जिसकी लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस तरीके से कैंपेनिंग करने की वजह से काफी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बिल्कुल रूबी, और जिस तरह से देखिए, लगातार सितंबर और अक्टूबर के महीने में कहा जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, लेकिन इस पर भी भारत ने बहुत ही अच्छी तरह से काबू किया, मामले बढ़ने की जगह दिन पर दिन और ज्यादा घटते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोगों में दहशत जरूर थी, क्योंकि अक्टूबर का महीना बड़ा टफ होगा देखने के लिए, खासतौर से बच्चों के लिए जरूर कहा गया था, लेकिन जो तैयारियां थी उनको लेकर पहले से भी कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा हॉस्पिटल तैयारी शुरू कर दी जाएगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा डबल से ट्रिपल बेडों के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी। और लखनऊ समेत या उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी और क्वालिटी थी दोनों को बढ़ावा दिया गया, और कहीं ना कहीं डॉक्टर का जो पैनल था उनको गांव-गांव पहुंचाने के लिए एक अलग से हेल्थ मिनिस्टर ने यहाँ पे जारी किया था, जिसमें कहा था कि आप लोग गांव पहुंचे, वहां पे जो रिकॉर्ड है उसको खंगाले और कहीं से भी कोई कोताही ना बरती जाए, और जो अगर बरती भी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर को सीधा सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं पारुल, भले ही डरा के या थोड़ा बहुत
समझा के इस लड़ाई को लड़ने के लिए भले ही तैयारी की गई हो, लेकिन जो आज उपलब्धि है उससे जरूर हासिल हुआ है कि इस महामारी से थोड़ा बहुत राहत मिल चुकी है। बिल्कुल रूबी, और देखिए अब भारत ने इतिहास तो रच दिया है, बधाइयों का दौर भी शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडावे की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, बधाई दी गई है देश की जनता को और सरकार को भी बधाई दी गई है कि इतने कम समय में इतना बड़ा ये रिकॉर्ड पूरा कर लिया है। ऐसे में आज देखिए दिल्ली में भी एक कार्यक्रम RMN अस्पताल में रखा गया है जहां पर प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। लखनऊ में क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है आज इसको लेकर, क्योंकि देश भर में आज कहा जा रहा है कि जगह जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। पारु, लखनऊ में खास CM ने अभी एक प्रोग्राम रखा था जिसमें इन्होंने परेड में शामिल हुआ, तो उसमें उन्होंने वहां से जनता को बधाई दी है। इसके साथ ही साथ यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी प्रेस वार्ता का, अभी सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है खबर की, प्रेस वार्ता कर सकते हैं। हॉस्पिटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में अलग एक माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो पैर पसार चुका है वो है डेंगू। कोरोना के मरीज अब बहुत कम पाए जा रहे हैं, हालांकि कुछ टाइम पहले CMS से भी बात हुई थी तो उनका अभी ये कहना रहा कि कोरोना के मरीज जो है वो एक दो दिखते हैं लेकिन वो पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, सिम्टम्स ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन अब जो वायरल फैला हुआ है वो है डेंगू। इसलिए ये लड़ाई जो है लगभग हम 50% जीत चुके हैं, बस 50% की जरूरत और पड़ेगी कहीं ना कहीं इस लड़ाई को जीतने के लिए। लेकिन आज बधाइयों का जो तांता लग रहा है इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं इस लड़ाई को 80% हम सब जीत चुके हैं। बिल्कुल रूबी, और इसीलिए देखिए जब ये वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने वाला था और जब वैक्सीन आई थी देश में तो काफ़ी विरोध किया गया था विपक्ष की तरफ से, काफ़ी सरकार की आलोचना की गई थी, सरकार पर हमला बोला गया था, तमाम विपक्षी नेता ये कहते नजर आए थे ये BJP की वैक्सीन है हम नहीं लगवाएंगे। लेकिन आज वही नेता वही मंत्री उस लिस्ट में शामिल हैं जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। बिल्कुल पारुल, ठीक कहा, क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया था कि ना मैं ही मास्क पहनूंगा और ना ही मैं वैक्सीनेशन के लिए कैंप के तक जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब विपक्ष का जो नेता है ये भी मान चुके हैं कि ये जरूरी है, टीकाकरण होना बहुत जरूरी है और अगर आगे सर्वाइव करना है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बिल्कुल ये मानक में मान लिया गया है कि अगर RT-PCR अगर आपका नहीं है तो चीज को लेकर आपको वहां पे विजिट करने नहीं दिया जाएगा अगर आप कहीं आप बाहर जा रहे हैं। तो कुछ पाबंदियों के वजह से ही कहा जा सकता है कि लोगों के ऊपर लगाम जरूर लग चुका है और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं मजबूरी भी बन चुकी है, अगर आपको अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है तो टीकाकरण होना बहुत जरूरी है। तो आज विपक्ष हो या पक्ष हो दोनों लोगों ने यह मान लिया है कि अगर जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इस चीज को लगवाना जरूरी है और कहीं ना कहीं प्रमोट भी कर रहे हैं, चाहे फैमिली वाले अगर एक लगा के आ रहे हैं तो दूसरे को जरूर कहा जाता है कि आप लोग भी जाइए, आसपास के जो लोग हैं पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि आसपास में हेल्थ कैंप लगा हुआ है वहां पर पहुंचिए और आपको फ्री में टीका लग रहा है उस चीज को जरूर लगवाइए। तो कहा जा सकता है पारुल की तस्वीरें जो है पहले और अब में काफी बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रूबी, लेकिन देखिए लगातार वैक्सीन के लगवाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लोगों से कहा जाता है कि आप जाइए, क्योंकि जिस तरह से आप भी लगातार बता रही हैं कि कहीं भी जाना हो या फिर आज लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन रूबी अब भी ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो वैक्सीन लगवाने से डरते हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, अभी भी कई तरीके से भ्रांतियां फैली हुई है क्योंकि कुछ हॉस्पिटल में ये भी देखने को मिले हैं कि लोग दरवाजे तक पहुंच के वापस हुए हैं, यानी कि उनके दिल में ये डर जरूर था कि कुछ टाइम पहले फला आदमी ने टिकट लगवाया था और उसकी डेथ हो गई, हालांकि सिम्टम्स कुछ और थे, डेथ उसकी किसी और वजह से हुई लेकिन वो मान लिया गया कि कोरोना के टीका के वजह से हुआ। तो भ्रांतियां अभी बहुत तरीके से फैली हुई है, लेकिन रूबी अभी भी लोगों के अंदर भ्रम पैदा है, भ्रम लोगों के अंदर से गया नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में अभी भी भ्रम है इस चीज को लेकर। बिल्कुल, अभी भी लोगों के अंदर दहशत जरूर है कि टीका लगवाने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हेल्थ पे ही असर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों में अब सोच बदल रही है। खास तौर से अभी लखनऊ में एक अभियान चलाया गया था जिसके तहत हर एक हॉस्पिटल में ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि कोरोना का टीका क्यों जरूरी है, एक छोटे छोटे से डेस्क बनाए गए थे, खास तौर से उसमें पर्चा लगवाया गया था पढ़ने के लिए कि जो लोग आए उसको पढ़े कि यहाँ पे कोरोना टीकाकरण हो रहा है और उसको लगवाना क्यों जरूरी है। कुछ लोग पहुंचे भी थे लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था अभी नहीं लगवाऊंगा बाद में लगवाऊंगा पहले बाकी लोगों को देख लूं, लेकिन लगभग अब जो है सबका यही मानना हो चुका है, लखनऊ में खास तौर से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ के जो लोग थे कि उनका ये मानना था अभी नहीं लगवाऊंगा दूसरे को लगते हुए देख लूं तब लगवाऊंगा, यानी कि अगर दूसरा सर्वाइव कर रहा है तो मैं लगवा सकता हूँ, लेकिन अब सोच बदल रही है और अब जो कैंप की लाइनें हैं वो लंबी दिखने नजर आती है।
चलिए ठीक है रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज भारत ने इतिहास रच दिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिल गई है। भारत ने 100 करोड़ का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है, रिकॉर्ड पूरा कर लिया है, और ऐसे में लोगों के बधाई देने का दौर भी शुरू हो चुका है और कई जगह पर तमाम कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज दिल्ली में भी कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर बुधवार को देहरादून देर शाम पहुंचे, जहां जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने और केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। आपको बता दें कि अमित शाह गुरुवार को उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं और ऐसे में मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को आपदा प्रभावित स्थानों का पहले हवाई सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। उत्तराखंड में बता दें आपको, इस प्राकृतिक आपदा को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंता में है। इसी के मद्देनजर प्रदेश बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के सभी कार्यक्रम 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिए हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़े हैं। आपको बता दें कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुके हैं और ऐसे में देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 106.45 रुपये पहुंच चुका है जबकि डीजल का दाम 95.27 रुपये प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112.44 रुपये और डीजल की कीमत 103.26 प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 107.11 रुपये पहुंच चुका है जबकि डीजल का दाम 98.38 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई की बात करें तो वहां पेट्रोल 103 रुपये से प्रति लीटर के ऊपर बिक रहा है तो डीजल 99 रुपये प्रति लीटर के ऊपर बिक रहा है। यूपी के गोंडा जिले में सरिया माफी गांव में उस वक्त मातम छा गया जब गांव से लापता 5 वर्षीय बच्चे का शव नदी में तैरता मिला। आपको बता दें कि एक दिन पहले इस गांव में 2 बच्चे लापता हो गए थे जिसमें से एक बच्चे का शव बुधवार को नदी से तैरता हुआ बरामद किया गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नदी से शव को बाहर निकलवा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तो गोंडा का ये पूरा मामला है जहां पर 2 मासूम बच्चे लापता हो गए थे जिसके बाद एक का शव नदी में तैरता हुआ बरामद किया है। थाना क्षेत्र कौड़िया जनपद गोंडा में सिसई कला में एक बच्चे का उतराता हुआ शव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर स्थानीय पुलिस पहुंच करके जांच किया गया तो पता चला कि दिनांक 18/10/2021 को एक 5 वर्ष का बच्चा जो गुम हो गया था उसके स्थानीय थाने पर उसके पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीत किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। फॉरेंसिक जांच और फील्ड यूनिट की टीम तथा डॉग स्क्वाड मौके पर जांच कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया की बीमारियों से बचने के लिए जागरूक कर रही है जिसके लिए घर के अंदर और बाहर साफ सफाई रखनी चाहिए। वहीं गाजियाबाद के दौलतपुरा में नगर निगम और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि दौलतपुरा में फ्लाईओवर के नीचे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, वहीं इस कूड़े का ढेर लगने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि यहाँ पुल के नीचे नगर निगम ने पोस्टर लगाया है और यहाँ कूड़ा डालना बंद हो गया है, लेकिन यहाँ लगातार
कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे कूड़े का ढेर इकट्ठा हो चुका है। वहीं अब स्थानीय लोग इकट्ठा होकर यहां कूड़ा डालने का विरोध कर रहे हैं। तो गाजियाबाद का पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कूड़े का ढेर फ्लाईओवर के नीचे लगा हुआ है। हालांकि बोर्ड पहले लगा दिया गया था जिसमें लिखा गया था कि यहां पर कूड़ा डालना मना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की तरफ से यहां पर कूड़ा लगातार डाला जा रहा है, जिससे तमाम बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। यहाँ पे कूड़ा डल रहा है, लगभग एक महीना हो गया यहाँ कूड़ा डलते हुए, और ना तो सुपरवाइजर सुन रहा है ना कोई सुन रहा। रोज़ आश्वासन देते हैं हमें, ये कहते हैं कि जो कल उठ जाएगा कल उठ जाएगा। यहाँ बीमारी फैल गई है, लोगों में बुखार, घर घर में बुखार हो गए, डेंगू है, छोटे छोटे बच्चे को जरा भाई दे भाई, ये सब बच्चे आ रहे हैं स्कूल के, सब पढ़ने वाले सभी को बच्चों आ रही है, सब परेशान है, महिलाएँ बच्चे घर घर में गली गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये जो क्या कर रहे हैं, प्राइवेटों को ला रहे हैं, प्राइवेट जो पैसे देते हैं वो कमा रहे हैं, उनसे कूड़ा भी डलवा रहे हैं, बाहर का भी और वार्ड का भी है कूड़ा डलवा रहे हैं। दलित बस्ती है, दलित बस्ती का कुछ मतलब कोई कहने सुनने वाला नहीं है सरकार का। बांग्लादेश में हुई घटना को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आंदोलित है। उन्होंने बुधवार को बहराइच जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना स्थल पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पुतला फूंका। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिसे फौरन बंद किया जाना चाहिए, और जिन्होंने उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देश में जो ये कुतक वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर, जो हिंदू समाज के लोग हैं उनके ऊपर जो किया जा रहा है, ये उसी के विरोध में है। अभी नवरात्र का पर्व चल रहा था और उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने एकदम नंगा नाच नाचा है, वहाँ की पूजा करने वाले जो व्यक्ति थे उनको मारा है, उनकी हत्या कर दी, और जिस प्रकार से ऐसे माँ भगवती की मूर्ति को खंडित कर दिया और पूरे वहाँ पंडाल को खंडित कर दिया। लेकिन हमारे भी वहाँ जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने भी हार नहीं मानी और फिर से पूजा प्रारंभ की। लेकिन मैं उनको इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि जो भी वो कृत्य कर रहे हैं वो अब सहन करने वाला नहीं। बलरामपुर में एक युवक का शव नदी में तैरता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं जब शव की पहचान विनफा क्षेत्र के समेरी चौराहा निवासी के रूप में हुई तो बताया जा रहा है कि युवक 5 दिन पहले श्रावस्ती जिले के अधनपुरवा गांव के पास मूर्ति विसर्जित के दौरान राप्ती नदी में डूब गया था, जिसका बुधवार को शव नदी में मिला है। वहीं मामले की जानकारी लेते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बलरामपुर का पूरा मामला है जहां पर नदी में तैरता हुआ युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक नदी में डूब गया था, जिसके बाद अब बलरामपुर में नदी में युवक का शव तैरता हुआ मिला। मौके पर जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में योगी सरकार आने के बाद से विकास के बड़े बड़े दावे हुए हैं और लोगों को बताया गया कि 70 सालों में अमेठी में जो नहीं हुआ उसे 7 सालों में किया गया। लेकिन इन दावों की हकीकत आज यहां के लोगों ने अपनी आंखों से तब देखा जब मूर्ति विसर्जन को लेकर लोग घाट पर पहुंचे, जहां सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। वहीं इन अव्यवस्थाओं को देखकर दुर्गा पूजा समिति के लोग नाराज हुए, जिसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी उसे व्यवस्थित करने के मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि अमेठी में दुर्गा पूजा के त्यौहार के बाद अब मूर्तियों को घाटों पर विसर्जित किया जाने लगा है। इस बीच मुसाफिर खाना इसौली रोड पर स्थित गोमती घाट पर मूर्ति विसर्जित होनी है, जहां की सड़कें खस्ताहाल और बारिश के पानी में डूबी हुई हैं, जिसे अब एडीएम सुशील प्रताप सिंह और एएसपी विनोद कुमार पांडे और एसडीएम सुनील कुमार द्विवेदी के साथ सीओ मनोज कुमार यादव ठीक कराने के लिए पहुंचे हैं और जेसीबी की मदद से सड़कों की मरम्मत भी कराई जा रही है। तो तस्वीरें देख सकते हैं अमेठी की, जहां पर विकास के बड़े बड़े दावे तो किए गए थे योगी सरकार की तरफ से, लेकिन हकीकत क्या है वो इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है।
प्रशासन से हम लोगों ने कई बार आग्रह किया केंद्रीय दुर्गा पूजा व्यवस्था समिति के कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने, लेकिन प्रशासन ने ना तो सड़क पर ही ध्यान दी, ना आप यहाँ देख रहे हैं विसर्जन का समय हो गया है, ना तो अभी तक कोई कुंडी की व्यवस्था है जैसा कि सरकार की गाइडलाइन है, और ना ही कोई बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से अव्यवस्थित अभी तक का है। हालांकि प्रशासन से एडीएम साहब, एडिशनल साहब, पीओ साहब और एसडीएम साहब वगैरह आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से व्यवस्थाओं को पूर्ण करा लेंगे, लेकिन अगर हमारा ये मानना है अगर पहले से व्यवस्थित रहता तो जो मूर्ति विसर्जन का जो कार्य है समय से चलता रहता। क्या लगता है आपको जो है कि विसर्जन सही तरीके से हो जाएगा? अब हम सभी लोग और प्रशासन के लोग और सभी लोग मिलकर तो प्रयास यही करेंगे, क्योंकि माँ की आराधना को में हम लोग 9 दिन तक अनुरोध रहे हैं। देखा गया है कुछ यहाँ पे सड़क से संबंधित इशू थे और उनको देखा गया, निदान कराया जा रहा है, मूर्ति समिति के लोगों से भी, अध्यक्ष जी से और अन्य लोगों से बात हुई है, जैसी उनकी अपेक्षा है उस तरह से व्यवस्था कराई जा रही है, करा के जैसा कि परंपरागत रूप से विसर्जन होता है सकुशल विसर्जन कराया जाएगा। सर, जिस तरह सरकार की गाइडलाइन है कि अलग से कुंड बनवाया जाए, और अगर सड़कों का हाल देखें तो सड़कों के हाल बहुत खस्ता हैं, कैसे होगा यहाँ विसर्जन? अब तैयारी कराई जा रही है, करा के सकुशल कराया जाएगा, सबके सहयोग से सकुशल कराया जाएगा। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में एक युवक को युवती के साथ मिलने के बाद क्षेत्रीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। वहीं युवक को पास के ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जब मृतक युवक के परिजनों की ओर से शव को रखकर सड़क पर जाम लगा दिया गया और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। तो अलीगढ़ का पूरा मामला है, दरअसल एक युवक युवती को लोगों ने साथ पाया तो युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मेरी बहन का लड़का है, वो मार दिया है, ये लोगों के लोग हैं। ये लड़के को बहाना लगा के ले गए कि चलो ये वहाँ मुझे छोड़ा मेरे घर पे, वहाँ ले जाके अकेले लड़के को लेके गए, 8-10 लोग हैं, इन्होंने जाकर मतलब लड़के को पीटा है और ईंटों से जैसे ही लील पड़ रहे हैं इस लड़के के मारा है, और मारने के बाद वो लड़के यहाँ वहाँ ट्रांसफार्मर में वहाँ उसको छोड़ के गए, अब पता नहीं वो लड़का कैसे अपने घर आया है। तो अपनी माँ से, माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ है तेरे को, तो उस लड़कों को बेहोश है, वो कह रहा है मम्मी मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मगर मम्मी तुम कुछ मत कहना, किसी से ही मत बताना, और हमारे घरों को मार देंगे सब लोगों को। आज थाना बन्ना देवी क्षेत्र में मृतक अमित के घर वालों द्वारा शव को रखकर यहाँ प्रदर्शन किया गया था, इनकी कुछ मांगे थी, मांगों को पूर्ण किया गया है और इसके बाद शव को हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्दी आरोपितों को पकड़ के आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, पंजीकृत की जा रही है और पूर्ण रूप से जांच की जाएगी, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई नाम प्रकाश? अभी ये जांच की जा रही है, वैसे एक नाम का प्रकाश में आया है और इसकी भी तस्दीक की जा रही है कौन वो व्यक्ति है, किस प्रकार से मारपीट की गई है, और इसीलिए FIR पंजीकृत की जा रही है, जल्दी आपको अवगत कराया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।